हम लोग अपने डेटा एनालिटिक्स की क्लासेस के आगे बढ़ चुके हैं और अब हम लोग मशीन लर्निंग के क्लासेस के तरफ आ चुके हैं। और मशीन लर्निंग में हम लोग बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर चुके थे कि मशीन लर्निंग कितने डिफरेंट टाइप्स की होती है, और उसका लेक्चर हम लोग ने लास्ट टाइम अपने चैनल पे अपलोड भी कर दिया था, जिसमें मशीन लर्निंग आपने देखा था सुपरवाइज्ड, मेनली सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइन्फोर्समेंट, इस टाइप की होती है। कुछ क्लासिफिकेशंस और भी मिलेंगे, बट हम लोग अभी इन कॉन्सेप्ट्स को पहले समझेंगे और फिर आगे की चीज़ें समझेंगे। हाँ, सुपरवाइज मशीन लर्निंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमारे दिए गए डेटा सेट में, जिसमें इनपुट या इनपुट्स एंड आउटपुट दोनों दिया होता है, आउटपुट का मतलब है एक लेबल्ड आउटपुट वेरिएबल, अगर इनपुट्स एंड आउटपुट दोनों दिया होता है तो वो सुपरवाइज्ड का केस बनता है। और इसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। ये हमारा पेंगुइन्स डेटा सेट है। पेंगुइन्स डेटा सेट को हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस की है इसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्पीशीज़ है पेंगुइन की, स्पीशीज़ में तीन तरीके की स्पीशीज हैं, जैसे एडेली, चिनस्ट्रैप एंड गेंटू। तो यहाँ बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अगर कोई पेंगुइन टॉर्गेसर आइलैंड पे पाई जाती है, जिसकी बिल लेंथ 39.1 है, जिसकी बिल डेप्थ 18.7 है, उस पेंगुइन की फ्लिपर की लेंथ, जो कंप्लीट फ्लिपर की लेंथ है, वो 181 है, उसका बॉडी मास ग्राम्स में 3750 है, वो पेंगुइन एक मेल पेंगुइन है, और ईयर 2007 में अगर उसको डिस्कवर किया या मिली वो, तो अगर ये सारे पैरामीटर ट्रू हैं तो वो पेंगुइन एडेली होएगी। इसी जगह पे हम एक गेंटू का एग्जांपल लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ बिल लेंथ का रेंज अलग है, बॉडी मास का रेंज अलग है, और फ्लिपर लेंथ वहाँ 180 थी, यहाँ 211 है, यानी ये एक बड़ी पेंगुइन है। तो यानी कि पेंगुइन के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, यानी पेंगुइन की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, या ये कहें कि जो हमारे डेटा में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम इस वेरिएबल को, यानी स्पीशीज़ वेरिएबल को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? तो ये एक डेटा सेट है जिसको हम कहते हैं ये क्लासिफिकेशन का डेटा सेट है। क्लासिफिकेशन के डेटा सेट में जो इनपुट एंड आउटपुट है, यानी इनपुट्स तो है ही हैं कई सारे, एक लेबल आउटपुट होता है, और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग एंड नंबर्स, या और जैसे कि कैटेगोरिकल एंड कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट, सारे तरीके के मिक्स्ड वेरिएबल्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये बात समझ में आई कि नहीं इस पेंगुइन के एग्जांपल से? लाइक यहाँ पे जेंडर है, जो कि एक कैटेगोरिकल डेटा है, बिल लेंथ, बिल डेप्थ है, जो कि एक न्यूमेरिकल डेटा है, कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू है, बॉडी मास ये सब, आइलैंड है अगेन स्ट्रिंग है, और ये एक तरीके का कैटेगोरिकल या ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है। तो जहाँ पे हमारे पास तो हमारे पास अगर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरीके के वेरिएबल्स किसी डेटा सेट में आ जाते हैं, और उसमें हमें किसी एक आउटपुट को प्रिडिक्ट करना है,
तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सुपरवाइज में क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम बोलते हैं। पर अगर सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा है, सपोज कीजिए हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक ईयर और दूसरा उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम। ये वाला डेटा सेट भी हम लोग ने कई बार पढ़ा है। तो यहाँ पे हम कैगल के ऊपर देख सकते हैं इस डेटा सेट को। इनफैक्ट हम इसे डाउनलोड ही कर लेते हैं। ये कनाडा पर कैपिटा इनकम नाम से फेमस है। तो अभी हम यहाँ कैगल पे हैं, यहाँ पे भी हम एक नोटबुक को रीड कर सकते हैं, अब एक नोटबुक यहाँ पे रन कर सकते हैं। इसको हम कनाडा पीसीआई एनालिसिस कुछ भी इस नाम से हम इसको रख देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये डेटा सेट हमारे लिए पूरा इंपोर्ट नंपाई, इंपोर्ट पांडास सब कुछ यहाँ पे हो गया है। यहाँ से फाइल का पाथ कॉपी कर लिया और इस कोड को हमने रन कर दिया। इतनी देर में ये हो रहा है, हम यहाँ पे भी इसको ले आ सकते हैं। सबसे पहले इस डेटा सेट को देखेंगे हम। अब आप इस डेटा सेट को देखिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या यहाँ पे कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल आपको नजर आ रहा है, या कोई पेंगुइन के जैसा कोई वेरिएबल आ रहा है। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या आपको लग रहा है कि पेंगुइन्स के केस में जो चीज़ हम एनालाइज कर रहे हैं, जो हमें प्रिडिक्ट करना है, वो यहाँ से थोड़ा डिफरेंट है, बताइए। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सारे नंबर्स हैं, हमारे पास एक तो दो ही वेरिएबल है। अब इसमें इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा आपके हिसाब से? जैसे ये डेटा अब 2016 तक का है, इन दो वेरिएबल में आपके हिसाब से सही या गलत इनपुट वेरिएबल कौन सा है और आउटपुट वेरिएबल कौन सा है? मैं चाहूंगा कि आप अपना अपना जवाब दें। ₹200 पर कैपिटल इनकम है वो इनपुट में। तो तुम ये बताओ, अगर कोई कहेगा कि ये वैल्यू है मेरे पर कैपिटा इनकम है, तुम ये खुद सोचो। ईयर एक ऐसी चीज है ना जो अपने हिसाब से बढ़ रही है, चल रही है, राइट? यस सर। ठीक है। सो ईयर एक इंडिपेंडेंट चीज हो गई ना, यस सर। उसके ऊपर पर कैपिटा इनकम डिपेंड कर रही है, राइट? हाँ सो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम एक्स कहते हैं, क्या? एक्स। एक्स और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है से वाई। इसे एक्स, इसे वाई। ओके, ज्यादातर एक्स को हम कैपिटल लिखते और वाई को स्मॉल। अभी क्यों ऐसा करते हैं ये आगे समझेंगे हम लोग। सो इस डेटा सेट में आप सिंपली देख सकते। तो अब हम लोग यहाँ पे एक इसको लीनियर रिग्रेशन बेसिक कह देते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं और जो हमारा डेटा सेट है उसे रीड कर लेते हैं। तो फाइल को यहाँ लोड करने के बाद इसका कॉपी पाथ कर लेते हैं।
और वही रेगुलर चीज़ जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, इम्पोर्ट पांडाज एसपीडी, और डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी, और वो सीएसवी फाइल, और यहाँ पे डीएफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डीएफ यानी डेटा फ्रेम आ गया, राइट। यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक ग्राफ्स होते हैं, जैसे सजेस्ट करेगा कुछ चार्ट्स हमें, तो हम देखते हैं क्या सजेस्ट करते हैं, उस पे आएंगे। हाँ जनरेट किए बताना। तो ये देखिए कुछ चार्ट सजेस्ट किए इसने, जिसमें एक चार्ट देखिए, एक चार्ट इसका ये है, दिख रहा है, यू गेट दिस चार्ट। तो इस चार्ट का मतलब ये है कि जब एक्स एक्सिस पे देखिए ईयर यहां से बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम हर ईयर के लिए एक वैल्यू थी, जैसे 1970 के लिए कुछ हुई, 71 के लिए कुछ हुई, एंड सो ऑन, और वो वैल्यूज आपको यहाँ पे ऐसे नजर आ रही है, राइट। इज इस क्लियर है। पर ये जो वैल्यूज बढ़ रही हैं, क्या ये एक सीधी लाइन में है? इस ग्राफ को आप देख के बता सकते हैं कि ये वैल्यूज इतना तो समझ में आ रहा है कि ईयर के बढ़ने पे पर कैपिटा इनकम बढ़ी, मगर ऐसा नहीं है कि एक सीधी लाइन में बढ़ी। एक एग्जांपल हम यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे सेम कंसेप्ट है, दो वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो ये लाल कलर के डॉट्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्राफ आपकी समझ में आ रहा है या नहीं पता। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे एरिया ऑफ हाउस को रखा है, जैसे अगर किसी हाउस का एरिया 2600 है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उसका जो प्राइस है वो 5,50,000 है। सेम अगर वही किसी हाउस का एरिया 3,000 स्क्वायर फिट है, तो उसका प्राइस जो है वो करीब 5,65,000 कुछ है, 3,200 वाले का कुछ 6 लाख से कह सकते हैं कि 6,10,000 के आसपास है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी आपको ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, और ये नज़र आ रहा है कि जब हम एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं तब वाई एक्सिस की वैल्यूज़ बढ़ रही है। कई केस में ऐसा भी होगा कि एक्स एक्सिस की वैल्यूज को बढ़ाने पे वाई एक्सिस की वैल्यूज घटेंगी। तो लीनियर रिग्रेशन का काम ये होता है कि एक आइडियल सिचुएशन में कुछ ऐसा होता कि ये सारी वैल्यूज जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में आती, इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन में आती। ये लाल वैल्यू इस स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, ये जो हमारी पहली वैल्यू जिसको हम डेल्टा वन कह रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि उस वैल्यू से हमने इस लाइन के ऊपर एक वर्टिकल लाइन बनाई है। ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन का मतलब ये है कि ये लाल वैल्यू इस नीली लाइन से इतनी दूर है, ये जो भी वैल्यू आएगी इतनी दूर है। उसी तरीके से ये लाल वैल्यू या ये वाला पॉइंट, डेटा पॉइंट, इस जो हमारी ये प्रिडिक्टेड लाइन है, जो एक्चुअल में नहीं है पर प्रिडिक्टेड लाइन है, उस लाइन से लगभग डेल्टा टू की डिफरेंस पे है। सेम ये है, ये है, और ये वाला पॉइंट तो ऑलमोस्ट उस लाइन पे ही है, ये वाला पॉइंट भी उस लाइन पे ही है।
लीनियर रिग्रेशन मशीन लर्निंग का या सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे हम लोग प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते अगर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स और वाई एक्सिस पे दोनों पे हमारे पास न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हो और हमारे एक्स एक्सिस के बढ़ने पे वाई एक्सिस का वेरिएबल बढ़ता या घटता नज़र आ रहा है और वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होके इस तरीके से स्कैटर प्लॉट में दिख रहा है, तो हमारा काम है इस स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट करना। हमें ढूंढना पड़ता है कि ऐसी कौन सी स्ट्रेट लाइन होगी जो इन पॉइंट्स के लिए लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहलाएगी। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब ये है कि वो कौन सी लाइन होगी जिसका ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स से जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है ये मिनिमम हो। और उसका एक यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है कि ये जो हम निकाल ले लाइक आई को हम 1 से लेके एन तक ले जा रहे हैं, यानी पहली डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इसकी दूसरी डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस तीसरी डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस चौथी डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस पांचवी डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसा किस केस में होएगा कि मिनिमम आ रहा है। इसका मतलब ये है, अब मैं एक और केस बता रहा हूँ, मैं एक यहाँ पे ग्रीन लाइन भी बना रहा हूँ ऐसे, ये भी एक पॉसिबल लाइन हो सकती है। मैं यहाँ पे एक रेड लाइन बना रहा हूँ, ये भी एक पॉसिबल लाइन हो सकती है, मगर ग्रीन लाइन के केस में ये जो डेल्टा 1 से लेके यहाँ पे देखिए डेल्टा 2 कितना ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ये डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस कम है, पर ये दो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएंगी, इसलिए ग्रीन लाइन हम नहीं बना सकते। उसी तरीके से हम रेड लाइन की बात करें तो इस पॉइंट से तो कम हो गया मगर इस पॉइंट से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई, इस पॉइंट से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई, इस पॉइंट से भी ज़्यादा हो गई। ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बन सकती है, पर एक ही ऐसी लाइन होगी जिस लाइन में जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे रेड में दिखाए गए उन एक्चुअल पॉइंट से उस लाइन की वर्टिकल जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है उसका स्क्वायर करके अगर हम उसको समराइज करें, उसको सम करेंगे तो ये वैल्यू मिनिमम आएगी। तो ऐसी आप 1 लाख लाइन बना लीजिए और देखिए कि कौन सी लाइन में ये वैल्यू कम आ रही है। तो खुद से ये करना, मैन्युअली इस चीज़ को करना बड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए पाइथन में इसके लिए एक एल्गोरिदम बनाई गई है और उस एल्गोरिदम का नाम है लीनियर रिग्रेशन। और पाइथन में वो लाइब्रेरी जो हम यूज़ करें, देखिए यहाँ पे उसने दिखाया भी है, उसने ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमें प्रिडिक्ट करके दिखाई भी है कि ऐसी एक लाइन बनेगी, बट आगे हम लोग उसको खुद भी निकाल सकते हैं। यही सेम केस यहाँ पे भी अप्लाई होता है, यहाँ पे भी हमको कुछ वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालनी होती है। अगर आप हम लोग के साथ पहले से हमारे चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने टैबलो के ऊपर ये ऑलरेडी किया हुआ है, जहाँ पे ये कंसेप्ट हम लोग 5 मिनट के अंदर पूरा अप्लाई कर सकते हैं। सो इट डजेंट मैटर कि आपको टैबलो समझ में आता है या नहीं आता है, टैबलो एक सिंपल टूल है जिसके थ्रू हम डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। यहाँ हमने CSV फाइल रीड कर ली, यहाँ से हम शीट पे चले गए, यहाँ पे से हमने ईयर को कॉलम में रखा, पर
पर कैपिटा इनकम को रोज में रखा, और आप देख रहे हैं ठीक वैसा ही ग्राफ यहाँ पे बन गया। हमने यहाँ से सर्कल ले लिया ताकि हम स्कैटर ग्राफ दिखा सके। तो ये हो गया डेटा। टैबलो में एक टैब है एनालिटिक्स, इसमें जाएंगे तो अब यहाँ पे हमें दो चीजें दिखा रहा है, फोरकास्ट और ट्रेंड लाइन। फोरकास्ट का मतलब हो जाएगा कि वो ईयर जिनका डेटा अभी नहीं दिया, जैसे 2016 तक का ही दिया है, तो 2017 या 18 का पर कैपिटा इनकम क्या होगा वो फोरकास्ट कर रहा। पर यहाँ पे ट्रेंड लाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, वो हम यहाँ से ड्रैग करके लीनियर यहाँ पे लगा देते हैं। एंड नाउ यू कैन सी, यहाँ पे आप आराम से वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट देख सकते हैं, और यहाँ पे आपके सामने एक इक्वेजन आ गई। कैन यू सी द इक्वेजन? देखिए लिखा हुआ है कि पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू 828.465 इंटू ईयर प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 to the power 6। हमें समझाते हो कि ये इक्वेशन क्या है। तो ये जो इक्वेशन है ये कोई ऐसी नई इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन कैलकुलस में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी है। तो अभी मिहिर, अभी तुमने बताया ना कि तुमने तुम्हारे साथ डिस्कस हुआ कि जब हम लोग ऐसा करते हैं तो एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई, राइट? यस सर, एक्स एक्सिस क्या होती है? जो जो इंडिपेंडेंट है, राइट? वाई एक्सिस वो है जो हमें प्रिडिक्ट करनी है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो ये ट्रेंड एनालिसिस है, तो इसमें इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी या एम एक्स प्लस सी। अलग अलग जगह इसको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, बट फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी या एम एक्स प्लस सी, जो भी बोलना हो उसको, ये हमारी लाइन की इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके? दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पे वाई क्या है? वाई वो आउटपुट वेरिएबल है, आउटपुट वेरिएबल है जिसको हमें प्रेडिक्ट करना है। एक्स वो इनपुट वेरिएबल है, जिस इनपुट वेरिएबल की वजह से हमारे पास वाई के कुछ सैंपल्स हैं। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे पास कुछ इनपुट और आउटपुट डेटा होगा। टैबलो कैसे प्रेडिक्ट कर पाया इस लाइन को? क्योंकि हमारे पास कुछ सैम्पल इनपुट और आउटपुट डेटा था कि भाई जब 1995 में ये आउटपुट आता है, इसमें ये आउटपुट आता है, दोनों नंबर्स हैं। अब आती है बात एम और एक्स क्या है। एम को कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन, अलग अलग नाम है इसको, कोफिशिएंट, और जो भी आप बोलिए, बट मोस्टली ये स्लोप ऑफ लाइन है जो मैथमेटिकल टर्म्स में या ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स में टेन ऑफ थीटा होता है। थीटा मतलब एंगल, तो अब मैं थीटा यहाँ पे ऐसे टेन थीटा लिख रहा हूँ, टेन थीटा, यानी आप देख रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है यहाँ पे, इसके एक्स एक्सिस के साथ में कोई एंगल बनाया है, राइट? ये लाइन ने, जो प्रिडिक्टेड लाइन है, वो एक्स एक्सिस के साथ में उसने एक एंगल बनाया। वो एंगल जो है, ये मान लेते हैं एक अंदाजे से हम कह रहे हैं ये 35 डिग्री है, 35 डिग्री, 35 डिग्रीज ये एंगल है। तो ये चीज समझ में आती है। हमने एक अंदाजे से लिखा है कि 35 है या 30 है, जो भी है। तो ये जो स्लोप होगा, यानी एम एम यानी कि स्लोप, इसकी वैल्यू 10 और 35 डिग्री हो जाएगी, जो भी वो होगा, ठीक है? तो इस तरीके से
आता है वेल, तो जो आपने पढ़ा भी है अपने एलिमेंट्री क्लासेस में, तो एक ये फॉर्मूला है। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी, जैसे इसको हम, ये x1 हो गया, 2600 x1 हो गया और 3000 x2 हो गया। x1 पे जो y की वैल्यू है वो y1 है और x2 पे y की जो वैल्यू है वो y2 है। तो इस तरीके से भी आप स्लोप निकाल सकते हैं, जो हम सब आगे सीखेंगे। हम लोगों को ये सब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन में हमारे पास इस सब के लिए ऑलरेडी फंक्शंस हैं, ऑलरेडी पैरामीटर्स हैं। तो ये लाइन की इक्वेशन निकालना ही हम लोगों का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ जब हम डेटा को रीड कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने डेटा को रीड कर लिया, तो हमारे पास डेटा है df नाम से, हम ऐसे लिख लेते df.head ताकि हमें डेटा दिखे, ये डेटा है हमारे पास। पाइथन में मशीन लर्निंग को अप्लाई करने के लिए आपको एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, जिस लाइब्रेरी का नाम है sklearn। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, तो अगर आप गूगल करेंगे sklearn तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी scikit-learn। अब scikit-learn को खोलते हैं, इसके होम पेज पे देखिए आपको क्या तीन चीजें नजर आ रही हैं, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग। क्लासिफिकेशन यानी सुपरवाइज मशीन लर्निंग के वो प्रॉब्लम्स जहां पे हमारे पास क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों तरीके के वेरिएबल्स हैं, जैसे टाइटैनिक है, पेंगुइन्स है, इस टाइप के प्रॉब्लम। रिग्रेशन जहाँ पे अभी हमने पढ़ा, जैसे कनाडा पर कैपिटा इनकम, या हम लोग आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें ब्लड टेस्ट का डेटा होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग वहाँ पे अप्लाई होगी जहाँ सिर्फ सुपरवाइज, जहाँ पे सिर्फ हमारा डेटा इनपुट है, आउटपुट कुछ नहीं है। तो हमारा जो लास्ट वीडियो है उसको आप देखेंगे तो ये और क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम जैसे रिग्रेशन पे चले जाते हैं, रिग्रेशन के एग्जांपल्स, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि किस टाइप के एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं। तो ये सारे एग्जांपल के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे यानी वो डिजिट्स हैं, एफिनिटी प्रोपोगेशन, ऑप्टिक्स। तो ये साइकिट लर्न की लाइब्रेरी एक डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है कि इसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स है, ये रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स है। तो यहाँ फेस रिकग्निशन का एग्जाम्पल है, कर्नल PCA2 deionized इमेज। सो मैं नहीं चाहूँगा कि आप शुरुआत में ही इतना इन सब को अभी करें, पर जब हम लोग बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ लेंगे तो आप खुद से ज़रूर इन सब चीज़ों को अप्लाई करें और साइकिट लर्न का यूज़ करिए। और यही हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब साइकिट लर्न में हम लोग यहाँ पे गूगल में सर्च करते हैं एसके लर्न लीनियर रिग्रेशन, इसके अंदर हमारे पास सारी तरह के लाइब्रेरीज हैं। तो इसमें हम लोग एक देखिए, ये लीनियर रिग्रेशन आ जाता है। ध्यान से पढ़ने के लिए देखिए क्या है, एसके लर्न डॉट लीनियर मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन, ऐसे लिखा। यानी सबसे पहले हमें एसके लर्न लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर लीनियर मॉडल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा और फिर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी ये सारा समझ में आएगा। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हुए कि
अगर आप कभी भूल जाते उसका सिंटैक्स, उसका कंसेप्ट कैसे है, तो आप यहाँ से भी उसको याद कर सकते हैं। तो लोग सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये चला देते। तो हमने लिखा फ्रॉम एसकेलर डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन। ये लाइब्रेरी अगर आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आप इस पे लीनियर रिग्रेशन नहीं लगा पाएंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि ये जो इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, इसमें हम एम और बी को हमें निकालना है। फाइंड एम एंड बी, क्योंकि एक्स तो हम खुद से ही बताएंगे। हम जैसे कहेंगे 1968 में क्या हुआ, एक्स तो यहाँ पे क्या है, ईयर है। इसको हम अपने टर्म्स में लिखें अगर, तो पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय ईयर प्लस बी। अच्छा मैंने ये तो बता दिया था एम क्या होता है, आपको पता चल गया था कि एम जो होता है वो स्लोप होता है, बी या इंटरसेप्ट क्या होता है। सपोज करो कि अगर ये लाइन होती, एक हम एग्जांपल लाइन ले रहे, अगर अगर इस लाइन को हम देखें तो ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है बताइए। सो अगर हम लोग ये कहें कि ये जो रेड कलर की लाइन है ये हमारे वाई एक्सिस को 5,75,000 यानी 5,75,000 वाले पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इसको ही हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। द पॉइंट वेयर अवर प्रिडिक्टेड लाइन और जो कैलकुलेटेड लाइन हमने निकाली है टचेस द वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये भी हो सकता है अगर हम इसको नीचे एक्सटेंड कर दें तो ये माइनस वाई हो जाएगा, और कई केस में ऐसा होगा कि हमारी लाइन जो है वो नेगेटिव एक्सिस पे जाके टच करेगी। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है -1.63 समथिंग इंटू 10 टू द पावर +6, सो ये जो है दिखा रहा है कि ये लाइन जो है एक्चुअली में जीरो, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है 0,000, तो ये लाइन अगर हम इमेजिन करें तो जाके नेगेटिव में कहीं पे जाके टच करें। सो वो इसलिए कि डेटा में वेरिएंस आता है और वो डेटा टू डेटा डिपेंड करेगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है हमने पहली चीज निकाली कि बी क्या है, बी इंटरसेप्ट है। सो बी इज इंटरसेप्ट यानी वो पॉइंट जहाँ पे हमारी लाइन वाई एक्सिस को टच करेगी और एम स्लोप है। अगर हमें ये दो चीज़ें पता हैं कि हमारी लाइन एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रही है और हमारे वाई एक्सिस को टच कहाँ पे कर रही है, तो इससे हम वो लाइन बना सकते हैं। यही कंसेप्ट है। और अब ऐसे प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले एक्स एंड वाई को बनाना है। तो स्टेप वन इज टू क्रिएट एक्स एंड वाई वेरिएबल्स। एक्स हम कैपिटल में इसलिए रखते हैं, याद रखिएगा हमेशा, एक्स हमेशा 2D होगा, एक्स विल बी 2D। और 2D का मतलब है यहाँ पे कि डेटा फ्रेम, हमने ये पहले ही पढ़ा कि डेटा फ्रेम 2D होते हैं, और वाई विल बी 1D यानी कि ये सीरीज होगा, ये याद रखना। जो आपका बेसिक हम लोग ने शुरुआत से पढ़ा है कि डेटा फ्रेम 2D होते हैं और सीरीज 1D होती है, इससे आपको पता लगेगा। सो अब अगर हम DF लें, हम बार बार इसका हेड प्रिंट करें जस्ट उसके कॉलम के नाम आ जाए ना, तो हम सीधे लिख लेते हैं DF डॉट कॉलम्स ताकि हमें कॉलम के नाम सामने हमारे नज़र आ जाए।
एक्स बनाने के लिए आप लिखिए एक्स इज इक्वल टू डी एफ और दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और उन कॉलम्स को सेलेक्ट कर लीजिए जिनको आपको इनपुट्स के तौर पे देना है। तो ये हो गए हमारे इनपुट्स, और वाई जो है हमारे उसमें हम एक ही स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है पर कैपिटा इनकम, ये जैसा लिखा वैसा ही आप कॉपी कर लीजिए और ये हमारा आउटपुट हो गया। तो आउटपुट एक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ सीरीज और इनपुट्स दो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ डेटा फ्रेम, ये हमें पहले बना लेना है। अब यहाँ पे आप लीनियर रिग्रेशन ऑलरेडी अप्लाई यहाँ पे निकाल चुके हैं, जो अब आप इसके ऊपर अगर माउस ले जाते हैं तो ये दिखाइए कैसे दिख रहा है, फिट इंटरसेप्ट ट्रू कॉपी ट्रू, इस तरह से कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाइड है। और अगर आप इसके ट्यूटोरियल पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे कैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि रेज इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन डॉट फिट एक्स कॉमा वाई। सो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं सिंपली, और हम इसको दो पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक लीनियर रिग्रेशन क्लास का एक मॉडल बना रहे हैं। तो ये हमारा मॉडल है रेज, ये मॉडल हमने बना लिया, इसको रन करते हैं। तो ये रिग्रेसर या इसको रिग्रेशन जो भी बोलना है, तो ये हमारा मॉडल तैयार हो गया। और अब हम कहेंगे रेज डॉट फिट, रेज में हम फिट कर देते हैं एक्स और वाई को, जहाँ पे जो हमारा सैम्पल इनपुट डेटा है एक्स जिसमें सारे ईयर्स की वैल्यू है, और आउटपुट डेटा है वाई जिसमें सारे पर कैपिटा इनकम्स की वैल्यू है, और ऐसे हम इसको रन कर देते हैं। अगर आप कोई एरर नहीं देख रहे हैं तो यानी कि सिंपली ये केस आ गया कि आपका रिग्रेशन मॉडल तैयार हो गया। और अब हम लोगों को जो प्रिडिक्ट करना था, हमें दो चीज़ें प्रिडिक्ट करनी थी या फाइंड आउट करनी थी, एम और बी। सबसे पहले तो हम इसका स्कोर पता कर सकते हैं, सॉरी वहाँ पर हमें देना पड़ेगा स्कोर एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.8909, ये एक्यूरेसी है, इसे आर स्क्वायर्ड वैल्यू भी कहा जाता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.8909, इसे आर स्क्वायर्ड वैल्यू भी कहा जाता है। जो भी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करें जो नहीं समझ में आ रहे, तो हम लोग आगे सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम्पल पे ये करेंगे, हम लोग कई एग्जाम्पल पे करेंगे और तब धीरे धीरे आपको ये सब समझ में आने लगे। एक दिन में अगर नहीं आ रहे तो आप इस वीडियो को कई बार चला के देखिए करिए, अदरवाइज हम लोग और भी एग्जाम्पल्स करेंगे एज अ एक्सरसाइज। ये हम लोग का हो गया रेज डॉट स्कोर। अब एम की वैल्यू है, ये एम निकालने के लिए हम रेज डॉट को एफ लिखते हैं, इससे हमें पता लगता है कि एम की वैल्यू आ रही है 828.46। टैली करते देखिए 828.465, जो हम दो अलग अलग टूल यूज़ कर रहे हैं, हम टैबलो यूज़ कर रहे हैं इधर और पाइथन पैंडाज और एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं इधर, जहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों में सेम वैल्यू नज़र आ रही है। और दूसरा होता है ये एम हो गया और ये बी यानी कि इंटरसेप्ट, और हम लिखते हैं रेज डॉट इंटरसेप्ट, इससे हमारा इंटरसेप्ट की वैल्यू निकल आती है जो कि -0.6 है जो भी है ये। और ये यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से दिखाया है -1 पॉइंट जो आप देख सकते हैं। सो इस तरीके से हमारा निकला डेटा। और अगर हम लिखते हैं रेज डॉट प्रेडिक्ट और दो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यहाँ एक ईयर लिख दें, जैसे 1978, कि इस ईयर में पर कैपिटा इनकम क्या रही होगी, तो यहाँ से आपको एक वैल्यू निकल जाएगी
6493.16 डॉलर्स। अब ये इसके एग्जाम्पल्स है, तो ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल है। ये आज पहला चैप्टर है जिसमें हमने सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस किया। कोड जो है ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि कोड कैसे करेंगे। अब इस कोड को याद कैसे करना है, इस कोड को समझना कैसे, ऑब्वियसली आफ्टर व्यूइंग दिस वीडियो सेवरल टाइम्स वो आप समझ सकते हैं। दूसरा, हम लोग और एग्जांपल्स पे भी यही सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो इस पूरी फाइल का लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप इसे व्यू कर सकते हैं और आप इसको कॉपी करके अपने कोलाब में या जुपिटर नोटबुक में कहीं पे भी इसको रन कर सकते हैं। ये जो कनाडा पर कैपिटा इनकम वाला डेटा है, ये जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैगल से मिल जाएगा, और इसको आप कैगल से डाउनलोड कर लीजिए और इतना आप अप्लाई करके देखिए और आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हम लोग आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे। इतना आप देखिए और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग लीनियर रिग्रेशन से रिलेटेड और एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपको मशीन लर्निंग की ग्राउंड नॉलेज होने लग जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।